स्वागत है आप सभी का आजाद क्लासेस पे। मैं सर्वेश्वर पांडे लेकर के आता रहूंगा आप सभी के लिए मैथ्स और फिजिक्स का लेक्चर। फिलहाल आज शुरू करते हैं हम लोग मैथ्स के सर्कल चैप्टर के साथ। सर्कल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज और पार्ट सेकेंड सेकेंड टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, दैट इज एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज। इस पार्ट में टोटल 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। सो नाउ स्टार्ट विद द पार्ट फर्स्ट, दैट इज द एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कल में यदि कोई एंगल फॉर्म हो रहा हो सेंटर पे, यदि कोई एंगल फॉर्म हो रहा हो सेंटर पे, तो ये एंगल सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म होने वाले एंगल के डबल होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्या थ्योरम डिस्क्राइब कर रहा है? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, यानी ये जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म होने वाले एंगल का डबल है। लेट सर्कमफ्रेंस पे एंगल फॉर्म हो रहा है एक्स, मान लिया कि सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है एक्स, तो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म होगा? इट मींस द सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होना चाहिए? 2x। क्यों? क्योंकि थ्योरम डिस्क्राइब करता है कि एंगल एट सेंटर विल बी ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल अगर x फॉर्म हो रहा है तो सेंटर पे कितना फॉर्म होना चाहिए? 2x। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कहां है? सेंटर पे। ये एंगल इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, यानी कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है सर्कमफ्रेंस पे। सो ए ओ बी विल बी 2 times ए सी बी। सो दिस फर्स्ट थ्योरम डिस्क्राइब्स दैट एंगल एट सेंटर विल बी इक्वल टू 2 times द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, यानी सेंटर पे फॉर्म होने वाला एंगल हमेशा सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म होने वाले एंगल के दो गुना होगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सर्कल में अगर दो एंगल फॉर्म हो रहे हो, मान लिया कि एक एंगल फॉर्म हो रहा हो सेंटर पे और एक दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा हो सर्कमफ्रेंस पे, एक एंगल फॉर्म हो रहा हो सेंटर पे, दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा हो सर्कमफ्रेंस पे, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सेंटर पे फॉर्म होने वाला एंगल इस सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म होने वाले एंगल के 2 times है? इट मींस क्या कह सकते हैं कि ए ओ बी इज ट्वाइस ए सी डी? जी नहीं, यहां ये अप्लाई नहीं होगा, यहां ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। क्या रीजन है कि ये थ्योरम यहां अप्लाई नहीं होगा और यहां ये थ्योरम अप्लाई हो रहा है? तो जरा देखिए, गौर से देखिए, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए यहां पे सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो किसके किस आर्क के वजह से फॉर्म हो रहा है? वो ए बी आर्क के वजह से फॉर्म हो रहा है। और सेम सर्कमफ्रेंस पे भी जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सर्कमफ्रेंस पे भी किसके वजह से एंगल फॉर्म हो रहा है? सर्कमफ्रेंस के भी पे भी जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी ए बी आर्क के वजह से फॉर्म हो रहा है। यानी कि दोनों एंगल, सेंटर का एंगल एज वेल एज सर्कमफ्रेंस का एंगल, दोनों सेम आर्क की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन कुछ यहां पे कुछ अलग है क्या? तो देखो जरा सेंटर पे, देखो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो किस आर्क की वजह से फॉर्म हो रहा है? वो ए बी आर्क की वजह से फॉर्म हो रहा है। लेकिन जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल फॉर्म हुआ, सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल फॉर्म हुआ, यहां इस सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल फॉर्म हुआ उसके लिए आर्क क्या था? उसके लिए आर्क ए डी था। इट मीन्स कि इस फिगर में दोनों एंगल के लिए आर्क सेम था, लेकिन इस फिगर में इन दोनों एंगल के लिए आर्क डिफरेंस था, सॉरी दोनों एंगल के लिए आर्क डिफरेंट था। तो अगर दोनों एंगल के लिए अगर आर्क डिफरेंट होगा तो उस समय याद रखें कि ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। इट मीन्स देयर इज अ कंडीशन टू फॉलो द सेम थ्योरम। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि आर्क सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
आर्क सेम होना चाहिए, सेम आर्क का कंडीशन फॉलो होना चाहिए। यदि सेम आर्क का कंडीशन फॉलो नहीं होता तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो। तो चलिए आपको क्लियर हो चुका है कि यदि आर्क सेम हो, आर्क सेम हो तो एंगल एट सेंटर विल बी ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल एट सेंटर विल बी ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। इफ दिस एंगल इज 240 डिग्री, लेट इट बी ओ ए बी सी डी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस एंगल इज 240 डिग्री, यानी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना है 240 डिग्री। तो आपको निकालना है किसकी वैल्यू, एक्स की और वाई की। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये एंगल अगर बात करें हम एंगल एक्स की यानी ए सी बी की, तो ए सी बी किस आर्क से बना है, ए सी बी किस आर्क से बना है, ए बी आर्क से बना है। ए सी बी किस आर्क से बना है, ए बी आर्क से बना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस पूरे क्वेश्चन में कि ये जो आर्क ए बी आर्क है ये माइनर आर्क ए बी है, और एक और आर्क है यहां पे, एक मेजर आर्क ए बी है, और ये दोनों यानी कि माइनर आर्क ए बी भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे, वो एंगल कितना है एक्स है, और ये मेजर आर्क ए बी भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे, ये एंगल कितना है वाई है। तो यदि आप बात करते हैं एक्स की, एक्स की, तो एक्स ए बी माइनर आर्क से सबटेंडेड है, और ए बी माइनर आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ए बी माइनर आर्क सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है ए ओ बी, ए ओ बी यानी ये एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसका इससे रिलेशन होगा, ना कि एक्स का 240 से रिलेशन होगा, क्योंकि ये जो 240 डिग्री है वो सबटेंडेड है मेजर आर्क की वजह से, मेजर आर्क ए बी की वजह से सबटेंडेड है एट द सेंटर। तो इस एंगल का रिलेशन होगा एक्स की वजह से, यानी कि ये एंगल फाइंड करना होगा हमें, एंगल फाइंड करना होगा कि ये एंगल होगा कितना। तो चलिए फाइंड करते हैं इस एंगल को पहले कि कितना होगा। यानी अगर हम देखें तो ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है ओ, और सेंटर है तो ये कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री, जिसमें से ये एंगल रिफ्लेक्स ऑफ AOB, ये AOB 240 दिया है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये बचा हुआ एंगल होगा -240, यानी ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो ये एंगल बचेगा 120 डिग्री। जब ये एंगल 120 होगा तो जरा समझिए, ये ए बी आर्क से बना है सेंटर पे, और ए बी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना है एक्स, ए बी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना है एक्स, यानी ये एक्स कैसे रिलेटेड होगा, ये एक्स कैसे रिलेटेड होगा, इस एक्स का 2 टाइम्स होगा यहां 120, यानी कि 2x will be equal to 120, यानी x कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2, दैट इज 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। अब y फाइंड कर लेते हैं। अब जरा देखिए y कैसे रिलेटेड है, y एंगल फॉर्म हो रहा है मेजर आर्क AB की वजह से, y एंगल फॉर्म हो रहा है मेजर आर्क AB की वजह से, जबकि अगर सेंटर पे देखें तो मेजर आर्क AB कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मेजर आर्क AB सबटेंड किया है 240 डिग्री, यानी मेजर आर्क ए बी सेंटर पे 240 डिग्री सबटेंड कर रहा है, जबकि सर्कमफ्रेंस पे y डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो क्या रिलेशन है इन दोनों का, रिलेशन आपने थ्योरम में पढ़ा है कि यदि आर्क सेम हो तो सेंटर पे बना हुआ एंगल ट्वाइस होगा, इट मींस इस y के दोगुना होना चाहिए, कौन 240, सो 2y इज इक्वल टू क्या 240 डिग्री, यानी y कितना होगा y इज इक्वल टू 240 अपॉन 2, तो 240 अपॉन 2 कैंसिल कर लेते हैं, दिस विल बी 120, यानी y का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आई बात समझ में।
तो x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 60 और y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 120। तो यहां पे हम अपने इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को कंक्लूड करते हैं एंड नाउ मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड डिस्क्राइब क्या करता है, प्रॉपर्टी सेकंड सेज दैट एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कोई भी सेमी सर्कल जो एंगल सबटेंड करेगा, कोई भी सेमी सर्कल जो एंगल सबटेंड करता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे जैसे ये सर्कल है और सर्कल में एक हमने कॉर्ड ड्रॉ किया, कॉर्ड ए बी, और मान लिया कि ये कॉर्ड ए बी सेंटर से पास हो रहा है, कॉर्ड ए बी सेंटर से पास हो रहा है। तो जब कॉर्ड ए बी सेंटर से पास हो रहा है तो ये कॉर्ड सिर्फ कॉर्ड नहीं रहा, अब इस कॉर्ड को हम लोग स्पेसिफिकली डिफाइंड करेंगे और इसका नाम देंगे डायमीटर। और आप डायमीटर के बारे में पहले से ही जानते हैं कि डायमीटर पूरे सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। दो इक्वल हिस्सों में कहने का मतलब है कि एक पार्ट सेमी सर्कल कहलाएगा, एक पार्ट सर्कल का एक पार्ट सेमी सर्कल कहलाएगा। यानी ये जो कॉर्ड ए बी है और डायमीटर ए बी है, इस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में, एक तो यहां से लेकर के यहां तक और दूसरा यहां से लेकर के यहां तक, ये दो सेमी सर्कल में इसे डिवाइड करता है। और हमारा थ्योरम यानी कि प्रॉपर्टी सेकंड ये डिफाइन करता है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहने का क्या मतलब है, क्या कहने का ये मतलब है कि ए बी से सबटेंड होने वाला कोई भी एंगल, ए बी से सबटेंड होने वाला कोई भी एंगल 90 डिग्री होगा। क्या कहने का मतलब ये है कि यहां भी अगर हम एंगल बनाए तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो क्या यहां भी एंगल बनाए तो ये भी 90 डिग्री होगा? जी हाँ, ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एंगल सेमी सर्कल के थ्रू बने हुए हैं, सेमी सर्कल से बने हुए हैं। और जब भी कोई एंगल सेमी सर्कल से बनेगा तो वो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्या यहां भी अगर एंगल हम बना दें, यहां भी एंगल बना दें तो ये भी 90 होगा? बेसिक ऑब्वियसली होगा, यहां भी एंगल अगर बनेगा तो यह भी 90 ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट भी तो सेमी सर्कल है। यानी कि ये भी अगर कोई एंगल सबटेंड करता है तो ये भी कितना होगा? ये भी 90 होना चाहिए। तो सेमी सर्कल से सबटेंड किया हुआ सारा एंगल, जो भी एंगल सेमी सर्कल सबटेंड करेगा और जहां भी सबटेंड करेगा, इवन दो आपने अगर कहा कि ये एंगल, सर ये एंगल कितना होना चाहिए, अगर B से ज्वाइन कर दिया और A से ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल कितना होना चाहिए, सो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये भी कौन सबटेंड कर रहा है? सेमी सर्कल सबटेंड कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सेमी सर्कल जो एंगल सबटेंड करता है वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। फाइनली अब शुरू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी 3। ये थी हमारी प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 डिफाइंस दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल क्या मतलब हुआ इसका? यहां एक टर्म है सेगमेंट, जिसे आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में आपको बताया जा चुका है कि सेगमेंट क्या है। खैर एक बार और देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए जरा, अगर ये कोई सर्कल गिवन है, अगर ये कोई सर्कल गिवन है और मान लिया कि यहां से कोई एक कॉर्ड ड्रॉन है, कोई एक कॉर्ड ड्रॉन है ए बी, कोई एक कॉर्ड ड्रॉन है ए बी, तो ए बी इस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। और इस एक हिस्से को, किसी भी हिस्से को आप सेगमेंट कहते हो, आप सेगमेंट कहते हो। तो एक ये छोटा सेगमेंट रहा और एक ये बड़ा सेगमेंट रहा, यानी इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट और इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। जो छोटा सेगमेंट होगा उसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे और जो बड़ा सेगमेंट होगा उसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि यहां पे आपके थ्योरम में एक चीज स्पष्ट रूप से लिखा है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। यानी किसी एक सेगमेंट में चाहे जितने एंगल बना लो, किसी एक सेगमेंट में चाहे जितने एंगल बना लो, चाहे जितने का क्या मतलब है, मान लिया कि ए बी से कोई एंगल बनाया हमने, यहां पर ए बी से कोई एंगल बनाया ए बी ए सी बी, ए बी से ही कोई दूसरा एंगल बनाया ए डी बी, ए बी से ही कोई तीसरा एंगल बनाया ए ई बी,
और ए बी से ही कोई चौथा एंगल बनाया ए एफ बी, ऐसे आप कितने एंगल बना सकते हो? ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स बना सकते हो, क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, आप जहां चाहो वहां एंगल बना सकते हो। तो क्या कहने का मतलब यह है कि ये सब के सब एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल यही कहने का मतलब है आपके प्रॉपर्टी थर्ड का। कहने का ये मतलब है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि इस सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे, ये जितने एंगल बनेंगे ये सब के सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये यदि थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, और भी कोई एंगल अगर फॉर्म हो तो वो भी थीटा ही होगा। लेकिन फिर से एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जो लास्ट टाइम आपने फर्स्ट थ्योरम में कंडीशन पढ़ा था, सेम वही कंडीशन यहां रिकैप होने वाला है। क्या है वो कंडीशन, जरा समझिएगा ध्यान से। कंडीशन है सेम आर्क का, याद आया, सेम आर्क का कंडीशन है। यानी जो फर्स्ट थ्योरम में आपने पढ़ा था कि यदि आर्क सेम होगा तभी वो थ्योरम एप्लीकेबल होगा, सिमिलरली हियर आल्सो यदि आर्क सेम होगा तभी वो एप्लीकेबल होगा, यदि आर्क सेम नहीं होगा तो वो थ्योरम, ये थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये एक सर्कल है और यहां कोई एक एंगल ऐसे दिया हुआ है और दूसरा एंगल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, तो सर ये यदि सेम सेगमेंट में बन रहा है, ये दोनों यदि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो क्या दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के? जी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं एक दूसरे के। क्या वजह है? वजह ये है कि ये पहला एंगल यानी ए बी डी, ए बी डी ये जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, ये ए बी डी किस आर्क से बन रहा है? ए डी आर्क से बन रहा है। और दूसरा एंगल ए सी ई, ए सी ई किस आर्क से बन रहा है भैया? तो ए सी ई बन रहा है ए ई आर्क से, ए ई आर्क से। क्या दोनों आर्क इक्वल हैं? जी नहीं, आर्क इक्वल नहीं है, और यदि आर्क इक्वल नहीं है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस बोथ एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो दिस बोथ एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो दिस वॉज द प्रॉपर्टी थर्ड। याद रखिएगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, किस पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना होगा एक एंगल, इफ ए बी इज डायमीटर, मान लिया कि ए बी डायमीटर है, इफ ए बी इज डायमीटर, इफ ए बी इज डायमीटर देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस वैल्यू हैज बीन गिवन 30 डिग्री, sorry you have to find the value of x if this angle has been given 30 degree। तो आपको find करना है x की value, यदि ये 30 degree दिया हुआ हो तो, यानी कि a c d आपको दिया हुआ है 30 degree। क्या क्या given है? given condition क्या है आपका? given है पहला angle c is equal to 30 degree, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, सो ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है और एंगल सी 30 है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चले देखते हैं कैसे हो। यहां देखिए, अभी अभी आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी में स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट देखने का तरीका क्या है, जरा एक बार ध्यान से देखें। एंगल इन सेम सेगमेंट देखने का तरीका यह है, एंगल सी फॉर्म हो रहा है आर्क ए डी की वजह से, एंगल सी फॉर्म हो रहा है आर्क ए डी की वजह से। अब आप ये देखेंगे कि क्या इसी आर्क के वजह से कोई और एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या कोई और एंगल फॉर्म हो रहा है सर्कमफ्रेंस पे? तो देखिए, AC अगर A को प्रोड्यूस करे तो ये B तक, और D को प्रोड्यूस करे तो ये B तक, यानी कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है ABD जो सेम आर्क से और सेम सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है, क्या है या नहीं? यानी एंगल B और एंगल C दोनों सेम सेगमेंट में है और दोनों सेम आर्क से बन रहे हैं, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, यानी ये 30 तो एंगल बी भी कितना हो गया 30 डिग्री,
तो एंगल बी का वैल्यू भी कितना हो गया 30 डिग्री। और दूसरा कंडीशन आपको दे रखा है, दूसरा कंडीशन आपको दे रखा है कि ए बी क्या है, ए बी डायमीटर है, और ए बी यदि डायमीटर है तो यहां से ये जो ए बी आर्क है ये सेमी सर्कल की तरह बिहेव करेगा। और अभी अभी आपने प्रॉपर्टी सेकेंड पढ़ा, प्रॉपर्टी सेकंड में अभी अभी आपने पढ़ा है कि सेमी सर्कल सबटेंड 90 डिग्री एंगल, सेमी सर्कल कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता है भैया, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। यानी ये जो सेमी सर्कल है ये ए बी, यहां पे एंगल कितना सबटेंड किया 90 डिग्री का, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। यानी ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो भाई मेरे जरा ध्यान दो, यहां से ए बी डी, ए बी डी क्या है, ट्रायंगल है, और ए बी डी ट्रायंगल में ये तीन एंगल्स हैं, पहला है x, दूसरा है 30 और तीसरा है 90। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि x प्लस 90 प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस x प्लस 90 प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स है, सॉरी सम ऑफ ऑल द एंगल्स है इन अ ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। होप इट इज क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या एक्सप्लेन करता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी अपोजिट एंगल किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो ये क्या है, एक नया चीज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए समझते हैं पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए यदि किसी सर्कल में, यानी कि किसी भी सर्कल में यदि आप कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दीजिए, तो किसी सर्कल में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिए जिसके सारे वर्टेक्स उसके सर्कमफ्रेंस से टच कर रहे हैं, जिसके सारे वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल ये हमने ड्रॉ किया ए बी सी डी, अब इसके चारों वर्टेक्स यानी कि ए बी सी डी क्या सारे वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस से टच कर रहे हैं, जी हाँ, ए भी टच कर रहा है, बी भी टच कर रहा है, सी और डी ऑल आर टचिंग द सर्कमफ्रेंस। तो यदि ये ऐसा है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, यही आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या तो फिर क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी डिफाइन क्या करती है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इसके अपोजिट एंगल्स, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो कौन कौन से अपोजिट एंगल्स हैं, देखिए जरा, अगर बात करें हम एंगल ए की, अगर बात करें एंगल ए की, तो एंगल ए का अपोजिट कौन, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी। इट मींस कि ए प्लस सी कितना होना चाहिए, 180। सप्लीमेंट्री का मतलब तो यही हुआ ना, सप्लीमेंट्री का मतलब तो यही हुआ ना कि ए और बी सी को जोड़े तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। जब भी किसी दो एंगल को आप जोड़ते हो और सम 180 आता तो हम कहते हैं कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो इसका मतलब कि यदि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट है और क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तो ए और सी का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ ए और सी के लिए है, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट और दिखते हैं, और वो दो अपोजिट कौन से हैं, बी और डी हैं, तो इनके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी को भी हम कह सकते हैं कि ये कितने हैं, 180 डिग्री। सम ऑफ बी प्लस डी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। कन्फर्म हुआ आपको, यानी कि क्या है ये, अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कब, जब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो। क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक होने से सीधा मतलब है कि वो क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टेक्स उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हो, जैसे ए बी सी डी, इसके सारे वर्टेक्स ए बी सी डी चारों के चारों ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। समझ में आया, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इफ ए बी इज
डायमीटर, इफ ए बी इज डायमीटर, यानी इफ ए बी इज पासिंग थ्रू सेंटर ओ, इफ ए बी इज पासिंग थ्रू सेंटर ओ, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है आपको। अगर ए बी कहां से पास कर रहा हो, सेंटर से पास कर रहा हो, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व हो। यहां पे आपको एक एंगल दे रखा है 130 डिग्री, एक एंगल दे रखा है 130 डिग्री। कौन सा एंगल है? एंगल ए डी सी 130 डिग्री। जरा ध्यान से देखिए फिगर को। तो फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने वर्टेक्स हैं इस पूरे फिगर के। तो ए बी सी डी चार वर्टेक्स है, और यदि चार वर्टेक्स हैं इस फिगर के तो ये कौन सा फिगर कहलाएगा? ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्या ये चारों के चारों वर्टेक्स टच कर रहे हैं इसको, सर्कल को? जी हाँ, चारों वर्टेक्स टच कर रहे हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस को। यानी कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और यदि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सर ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? करेगा, श्योरली करेगा। कैसे करेगा? तो अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब कि अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्या रीजन है? क्या रीजन है? अपोजिट, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो d की वैल्यू कितनी? d की वैल्यू कितनी? 130 डिग्री। d की वैल्यू 130 डिग्री। b की वैल्यू का पता नहीं, फाइंड करना है हमें b की वैल्यू। तो एंगल b कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 यानी कितना हो गया? 50 डिग्री। कितना हो गया? 50 डिग्री। तो ये अगर 130 है तो ये कितना हो गया? 50 डिग्री। तो हमें दूसरे एंगल का पता चला, ये कितना हो गया? 50 डिग्री। आइए और देखते हैं क्या दिया इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन और है कि ए बी इज पासिंग थ्रू सेंटर ओ। ए बी कहां से पास कर रहा है? सेंटर ओ से पास कर रहा है। अगर ए बी सेंटर ओ से पास कर रहा है तो ए बी क्या डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है? यस, ऑब्वियसली बिहेव कर रहा है। तो अगर ये डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है तो ए बी क्या हुआ? सेमी सर्कल हुआ। तो यहां पे ये क्या हुआ? सेमी सर्कल हुआ। और सेमी सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है? सेमी सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है? सेमी सर्कल 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। यानी ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। यहां से ए सी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी सेकंड में पढ़ा था कि सेमी सर्कल सबटेंड 90 डिग्री एंगल। तो ये 90 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल 50 डिग्री हो गया। तो तीसरा आपको फाइंड करना है, तीसरा फाइंड करना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 50 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री? क्योंकि ये तीनों एंगल एक ही ट्रेंगल के हैं, तीनों एंगल एक ही ट्रेंगल के हैं, और एक ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 140 इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, दैट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। इज इट क्लियर? तो यहां पे x की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी? 40 डिग्री। सो क्लियर हो गया आपको? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 5, टुडेज लास्ट प्रॉपर्टी, आज का ये लास्ट प्रॉपर्टी होगा। ये पूरे सर्कल चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमने अभी सेकंड पार्ट को छोड़ रखा है जो है टेंजेंट और सेकंड प्रॉपर्टीज। और टेंजेंट और सेकंड प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताई जाएंगी। खैर, आज हम डिस्कस करते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 एक्सप्लेन करता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो क्या मतलब हुआ? जरा देखिए इसको फिगर पे। मतलब ये है कि आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले ही समझ लिया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के सर्कल को टच करते हुए हो। यानी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। तो एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करें, एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या? एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये कि आप किसी भी साइड को आप एक तरफ इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे मान लिया कि हमने
सीबी लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, सीबी लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, तो यहां एक एंगल फॉर्म होता है, यहां एक एंगल फॉर्म होता है, दिस विल बी सेड टू बी द एक्सटीरियर एंगल, ये हम कहते हैं इसे एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल आपके इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होना चाहिए, इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी ने कहा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। भैया ये जो एक्सटीरियर एंगल बनाया ना आपने, एक्सटीरियर एंगल जो आपने बनाया है वो इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होना चाहिए, ये इंटीरियर के नहीं, इंटीरियर के अपोजिट के इक्वल होना चाहिए, यानी एक्सटीरियर ऑफ बी, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी शुड बी इक्वल टू इंटीरियर ऑफ डी, शुड बी इक्वल टू इंटीरियर ऑफ डी। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं एक और इसी का एग्जांपल। मान लिया कि इस बार हमने प्रोड्यूस कर दिया एडी, एडी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो एडी लाइन को प्रोड्यूस किया तो एक्सटीरियर एंगल क्या बना, एक्सटीरियर एंगल ये बना, और एक्सटीरियर एंगल कितना है, लेट इट बी अल्फा, कितना है ये, अल्फा है। तो अगर ये अल्फा एंगल है एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके इक्वल होगा, अपने इंटीरियर अपोजिट के, अपने इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा, यानी इंटीरियर कौन है, इंटीरियर ये एंगल रहा और इसका अपोजिट कौन रहा, इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। चलिए अगर कहते हैं हम कि इसे अब प्रोड्यूस कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल कौन बनेगा, एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा, एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा। तो ये अगर मान लिया कि ये है अगर ए, ये एंगल है अगर ए, तो ये ए है तो इसके इक्वल कौन होगा, इसके इक्वल कौन होगा, इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट यानी कौन एंगल होगा, ये होगा, यानी ये एंगल इसके इसके इक्वल होगा। सो दिस वॉज आवर लास्ट प्रॉपर्टी एंड वी हैव टूडे डिस्कस्ड अबाउट द फाइव प्रॉपर्टीज, पांच प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हमने। ये पांचों प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से एक बार रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेकर के आएंगे प्रैक्टिस ऑफ दिस ऑल प्रॉपर्टीज, और हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ उसके एप्लीकेशंस। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।